नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजीव मिश्रा, आज के धमाकेदार सेशन में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस पे। हम एग्जाम्पल कर्म से क्रांति, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज 40 मिनट्स में हम लोग 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज के सेशन में डीएनए में हमारा करंट भी होगा, हमारा स्टैटिक भी होगा और हमारा बैंकिंग भी होगा। एक बार सबसे पहला काम करो तो जल्दी से लिंक को कॉपी करो, और जिस भी मीडियम पे आप सेशन को शेयर कर सकते हो एक बार जरा जल्दी से कर दो, तो ताबड़तोड़ बैटिंग करो। और मेरा टारगेट आज है सभी लोगों को कि कम से कम आज हमारा स्कोर 30 प्लस हो। बेटा रोमियो जी, बिल्कुल एक बार आपने बोला है तो एक बार मैं जरूर चेक कर लूंगा आज, कि क्या पता मेरी तरफ से गलती हो गई हो। नो इशू, बिल्कुल आज मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आंसर क्या है। लेकिन जहां तक हमें याद है कि आंसर जो है वो 15 है, बट आपने कहा है तो एक बार मैं जरूर चेक करूंगा। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे दोस्तों। जो हम लोग का टारगेट है आज, एनी हाउ याद रखना, आज हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 40 में से हमारा 30 प्लस स्कोर आज जरूर हो। बस यही हमारा पर्पस है और यही आज शनिवार का विशेष सेशन है। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग। स्नेहा कुमारी, यस बेटा बिल्कुल, जहां आपने बोला मैं पहले वहां भी था, कुछ समय पहले मैं कहीं और भी था, बट फिलहाल अभी मैं एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस में हूं। ठीक है, ओके, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। आई होप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो क्या खूब, किसी ने कहा है कि एक बात तो हमेशा याद रखना, आप तब तक रुकिए नहीं जब तक आप उस काम को पूरा कर नहीं लेते। मतलब कहने का, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, यानी थक गए हो तो मतलब रुको नहीं, स्टॉप व्हेन यू आर डन, मींस कहने का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग अगेन। एक बार जहां तक सेशन को शेयर कर दो, और याद रखना बिना आपके सपोर्ट के साहब कुछ भी होने वाला नहीं। दीपक कुमार यादव जी गुड इवनिंग बेटा, वेरी नाइस। ऋतिक कुमार गुड इवनिंग। उसके बाद जितने भी नए मेंबर, उन सभी को भाई गुड इवनिंग। और एक बार जरूर याद रखना टू एवरीबॉडी, आज स्पेशल सैटरडे है जहां मैं आज कराने वाला हूं 40 out of 40। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, आज कितने ऐसे चैंपियन हैं जिनको लगता है कि आज उनका स्कोर 30 प्लस होगा। बताओ मुझे कमेंट करके, जल्दी से लिख के मुझे दिखाओ कि यस आई कैन डू 40 में, कम से कम मेरा स्कोर 30 प्लस होगा। बताओ मुझे जल्दी से जरा। रसगुल्लो, यह तो बंगाली है रसगुल्लो। तो आज मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, याद रखना सभी लोगों को, आज मेरा टारगेट है कि आप लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चंस में आपको 30 प्लस स्कोर करना है। और जिन भी 35 प्लस का स्कोर 30 से ज्यादा होगा, उन विद्यार्थियों को अगर हो सकेगा तो मैं कॉल करूंगा, उनको बधाई दूंगा। तो क्या आप लोग सभी लोग रेडी हैं? रोमियो ने कहा मेरा 30 प्लस टारगेट होना चाहिए, मस्ट बी। यस, दीपा कुमार यादव ने भी कहा रेडी है, बिल्कुल सभी लोग रेडी होंगे, बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है, तैयार हो जाओ सभी लोग जल्दी से। ठीक है, यस स्नेहा कुमारी जी, मैं रोज रात में 7 बजे आता हूं भाई। जो को जितने भी नए उनको बता देना चाहता हूं, कुछ क्लास की टाइमिंग नोट कर लो अगर आप नए हो आज सेशन में पहली बार। मैं डेली शाम को 7 बजे आता हूं, जहां मैं दिन भर की सारी खबरों को एनालाइज करता हूं। नंबर वन, आज थोड़ा एनालाइज नहीं कर रहा हूं, आज मैं बस एमसीक्यू करा रहा हूं क्योंकि आज स्पेशल सैटरडे है। नंबर दो, अगर आपको करंट को रिवीजन करना है डेली, तो रात में मेरे साथ जुड़िए 9 PM पर, जहां मैं कराता हूं बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की सीरीज। और अगर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग बहुत कमजोर है, और अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो आप जुड़िए मेरे साथ दोपहर में 12 PM। आई होप सभी को टाइम खत्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग। ओके रोमियो, कोई इशू नहीं, आप फोन नंबर दे देना, मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, इफ यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। बेटा रोहित यार कंफर्म नहीं कर सकते क्यों नहीं क्लास हुआ। ठीक है, इट मे बी, हो सकता है कि कुछ कारण से क्लास नहीं। देखो यार, ह्यूमन है, हम लोग की भी तबीयत खराब होती है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा होता। चलो छोड़ते हैं, और ये रखा आपका आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा। टू एवरीबडी, यस रोहित कुमार जी बिल्कुल, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन याद रखना इसका कोई भी कंफर्मेशन यहां नहीं है,
एक बार जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं सेशन को जरूर लाइक करिए, ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। याद रखना आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, याद रखना दोस्तों। बिल्कुल, चलिए, वेरी नाइस। जिज्ञासु उमर भी आ चुकी हैं, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील विल बी अनवील्ड सून, दुनिया की सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किस देश में किया जाएगा। याद रखना, आज मैं रिविजन करा रहा हूं तो याद रखना, आज हो सकता है मैं डीपली ना जा पाऊं, बट याद रखना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो काइंडली आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, टू एवरीबडी, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, बहुत लोग जा रहे हैं रसिया, और बहुत लोग जा रहे हैं आंसर यूएई। तो याद रखना इसका जो सही आंसर होगा बेटा, बिल्कुल सही है आंसर हमारा होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखना यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमीरात कहते हैं, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन लॉन्च किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर बेटा डी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताओ जल्दी से। बहुत लोगों का पहला सही हुआ, बहुत लोगों का पहला गलत हो गया, जिनका भी पहला गलत हो गया टेंशन नहीं लेना, अगर लाइफ में गलत करोगे तभी तो लाइफ में सही करोगे, यानी कि अगर आप युद्ध लड़ोगे नहीं तो युद्ध जीतोगे कहां से, है ना। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दो, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो याद रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। आप सभी लोगों को पता होगा ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा यूएनओ का नाम आपने सुना होगा, और याद रखना उस यूएनओ की अगर मैं बात बोलूं जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, अगर आपको याद होगा उसका एक गोल है, उसका एक गोल है कि विश्व में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि करीब 16 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, है ना, उन 16 सेक्टरों को हम अचीव कर लेंगे 2030 तक, यानी कि विश्व में 2030 तक जो यूएनओ का ये एसडीजी गोल है उसको वो अचीव कर लेगा। तो आपको ये बताना था उसी गोल के तहत हमारे देश में ऐसा कौन सा नॉर्दर्न स्टेट रीजन है जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो याद रखना उस स्टेट का नाम है दोस्तों सिक्किम की बात कर, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सिक्किम राज्य बताया था आपको, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए सिक्किम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा बेटा, याद रखना केरला तो ओवरऑल है ना रोमियो, बट याद रखना मैंने यहां पूछा था नॉर्दर्न स्टेट के बात में लेकर, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारे इसलिए हो गया सिक्किम, ठीक है। विच फर्म फॉर्म इंडिया विल कंस्ट्रक्ट द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ मालदीप। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीप कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसको इंडिया की एक कंपनी बना के देगी, और याद रखना उस प्रोजेक्ट में, याद रखना आपको हमारे देश में जो सुना होगा आपने एक्सिम बैंक का नाम, वह सपोर्ट कर रहा है, यानी याद रखना जो लोन का पार्ट है वो कौन सपोर्ट कर रहा है, एक्सिम बैंक सपोर्ट कर रहा है। आपको ये बताना है कि हमारे देश की कौन सी कंपनी है जिस काम को वहां जाके वो पूरा करेगी, टू एवरीबडी। यस, तो याद रखना इसका मैंने अमाउंट नहीं पूछा है, ध्यान से बेटा इसका मैंने पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फर्म है जो इंडिया से चुनी गई है जो कि मालदीप में, याद रखना, एक बनाएगी ग्रेटर माले प्रोजेक्ट को लीड करेगी। तो याद रखना उसका नाम है बेटा एफकॉन्स। क्या नाम है? एफकॉन्स। याद रखना ये मुंबई की एक फर्म है, यह एक मुंबई की फर्म है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। यस, बिल्कुल सही, एक्सिम बैंक 1982 में बनके तैयार हो गया, और बिल्कुल डेविड रास्कुनिया इसके हेड है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला, चौथा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगर टारगेट अचीव करना है तो कोशिश करो, और याद रखना डिमोटिवेट मत होना, लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखना, एग्जामिनेशन रूम की तरह, क्या पता आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान हो, यानी कि आपका टारगेट है 30+ स्कोर करना, अब कैसे भी करो ये मैटर करता है, ठीक है। वेरी नाइस, दीक्षा, गुलबाग, पूजा, वंदना, संजय, नदीम, शैलजा, रोमियो एंड भूमिका। तो याद रखना विप कौन सी ऐसी इंटाइटी है जिसने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक स्टार्टअप हब
के साथ साइन किया है टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप, यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी अगर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करने वाली है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की बात कर रहा हूँ वह सपोर्ट करेगी। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में याद रखना पेटीएम ने मिल के ये एमओयू किया है, याद रहेगा सभी लोगों को। यू थिंक रॉन्ग, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया पेटीएम। अगर आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी, पता होगा आपको रेलवे, और याद रखना साथ में आईटी, दोनों अश्विनी कुमार जी के पास है जो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में टीवी को खत्म करना, विश्व में टीवी को खत्म करना, इसके लिए एक बोर्ड है, आपको ये बताना है उस बोर्ड के जो अध्यक्ष है 2021 में वह कौन सी कंट्री लीड कर रही है। याद रखना इंडिया का टारगेट भी है कि हम अपने देश से 2025 तक हम टीवी को कर देंगे जीरो, यानी कि जो टीवी की बीमारी होती है उसको हम लोग कर देंगे क्या जीरो, ये इंडिया का लक्ष्य भी है, ठीक है बेटा। सुरेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग, थोड़ा सा लेट हो गया आपको। अच्छा एक बार मेरा यूनिक है, अगर गलत हो जाता है तो माय डियर एस्पेरेंट्स, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, कृपया उसको डिलीट मत करो, पता तो चले कि गलती की हो, ठीक है। बहुत ही शानदार यार, आप तो सब बहुत एक्टिव हैं यार। अच्छा आप लोग में से ऐसे कितने हैं जो जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं मुझे बताओ जरा, क्योंकि मैं रखता हूं, मैं मंडे को पूजा करता हूं, पूजा करूंगा, क्या आप लोग करते हो? तो हो सकता है कि दिन मैं क्लास लूं, इट माइट बी, हो सकता है क्लास ना भी लूं क्योंकि दिन भर फास्ट रहूंगा, है ना। यस बिल्कुल, टीवी हारेगा और देश हमारा जीतेगा, तो याद रखना आंसर हमारा इंडिया। और याद रखना इस पोस्ट पे जो मनसुख भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वही पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि पता होगा पहले इस पोस्ट पे हर्षवर्धन जी बैठे थे जो हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, ठीक है याद रहेगा सभी को। चलिए ठीक है अगला, माननीय मोदी जी ने 7 साल में कैसा काम किया, उस पर एक बुक है, उस बुक का नाम है एक्सलरेटिंग इंडिया, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, आपको बताना है इस बुक के राइटर का नाम क्या है। ओ माय गॉड, तुम्हारे माथे में ही चंदन है यार, बहुत टैलेंटेड हो यार। तो ऐसी कौन सी राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने 7 दिनों में क्या किया, तो याद रखना दोस्तों उनका नाम है केजी अल्फोंस, केजी अल्फोंस जी ने लिखा एक बुक, उस बुक का नाम है एक्सलरेटिंग इंडिया 7, जिसमें बताया गया कि मोदी गवर्नमेंट ने 7 सालों में बेटा क्या किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो इतना आसान है इसकी उम्मीद करते हैं कि कोई भी यह क्वेश्चन गलत नहीं, जिन्होंने मेरा डेली डीएनए सेशन देखा होगा उनका देखना स्कोर गारंटी 30+ तो रहने वाला है, जिन्होंने मेरा सेशन डीएनए डेली देखा होगा। याद रखना बहुत प्यारा सा है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए याद रखना, उसके लिए याद रखना लगातार जो हमारा नीति आयोग है वो काम कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, नीति आयोग इज द राइट आंसर। याद रखना इंडिया में जो भी पॉलिसी बनती है, इंडिया में जो भी काम प्लानिंग कमीशन करती थी उसी के बदले ही नीति आयोग आया है, और याद रखना इसके जो हमेशा हेड होंगे ना वो हेड हमेशा याद रखना पीएम होते हैं, और जो इसके वाइस पीएम है वो मेरा नाम याद रखना, माय नेम इज राजीव मिश्रा, तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है याद रखना उनका नाम है राजीव कुमार, उनका नाम राजीव कुमार है बट मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मेरा नाम किसी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा याद रखना टू एवरीबडी। अब देखो ऋतिक ये तो नहीं कह सकते यार, लेकिन मैं भी उतना खुश नहीं हूं, बट क्या करोगे कुछ तो गलतियां, खासकर एक विद्यार्थियों के लिए तो उन्होंने मतलब क्या बोलूं, एसएससी का एग्जाम पता नहीं कब हो रहा, बैंक का एग्जाम पता नहीं कब हो रहा, क्या हालात होगा, थोड़ा सा दिक्कत तो है नो डाउट, बट क्या करोगे चलता रहता है, हम लोग अपना फोकस करना है, ठीक है। अगला, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शॉर्ट में कहते हैं PIDF, आपको बताना है इस स्कीम जो है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट है,
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड योजना, यानी इंडिया के पेमेंट सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, यह जो योजना, यानी आपको देखें जब घर से आप बाहर निकलते हो तो हर दुकान नुक्कड़ चौराहे पर कम से कम स्वैपिंग मशीन लगी हो, स्कैनर लगा हो, जिससे हम हर आदमी कम से कम पेमेंट कर पाए ऑनलाइन, इसी सिस्टम को कहते हैं क्या, PIDF। क्या कहते हैं दोस्तों? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। लेकिन ये किसकी पहल है? लेकिन अगर बेटा कोमल यादव गुड इवनिंग, लेकिन अगर बात बोलूं सभी लोग आरबी मार रहे हैं, लेकिन याद रखना इसका जो बेसिकली आंसर होगा ना वो क्या है पता है? ये पहल NPCI की है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, बेटा याद रखना ये पहल है, ना कि RBI की पहल है, ठीक है? ये पेमेंट, यानी इसका जो रेगुलेटर है याद रखना, ये जो फंड, अगर पूछता है कि फंड कौन बनाया, अगर पूछे कि फंड कौन बनाया तो आंसर हमारा क्या होगा? RBI। समझना देखो गलती क्यों हो गया, इस फंड को बनाने वाला कौन है? RBI। बट इसके बारे में जो इनिशिएटिव लिया गया था वो किसने लिया, तो आंसर हमारा क्या होगा? NPCI बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिस्टर दिलीप आसबे जी इसके हेड हैं, याद रहेगा सभी को, बिल्कुल सही बेटा, बहुत ही शानदार। चलो अगला क्वेश्चन, जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर देना कॉमेंट करके, सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे ये बताना जल्दी से जरा कि हमारे देश में वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में कौन सा है? यहां आंसर मत देना, आपको यह आंसर देना है वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे, ठीक है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर देश में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, उस स्टेट का नाम क्या है, बताओ मुझे जल्दी से जरा। Yes, आपको बताना है उस स्टेट का नाम। 9 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हमारा लगभग 1/3 पार्ट पूरा हो गया आज का, तो बिल्कुल सही बात, ये गलती कोई नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, जो डेली DNA में आता है, लिखा ही हुआ है दैनिक समाचार विश्लेषण करंट अफेयर्स, रोज शाम 7 बजे जो आता है उसका स्कोर देखना, 30+ आज जरूर होगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना चाहते हैं, सुनना चाहोगे बताओ मुझे, से यस और नो, क्या आप सभी लोग कल अपनी नींद खराब करना चाहते हो? मुझे कमेंट करके बताओ, से यस और नो। अगर यस होगा तभी मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या देने वाला हूं टुमारो संडे को। क्या कल अपना आप नींद खराब करना चाहते हो मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, तभी मैं बताऊंगा कि कल मैं क्या आपके लिए लेके आया हूं। यस बिल्कुल शुभम पाटीदार, बिल्कुल सोच के बोलो, मुझे याद है ना आप लोगों को, मैं 5 घंटे लगातार पढ़ाते रहा था मैराथन क्लासेस में, क्योंकि एक ही स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है दोस्तों। तैयार हो तो तैयार हो जाओ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी नींद खराब करने के लिए तैयार हो तो याद रखना कल का तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले हैं हम लोग, कल 28 तारीख नहीं, कल 29 तारीख है, 29/8/2021, याद रखना कल हम लोग मुलाकात करेंगे, क्योंकि संडे को क्लास में कुछ खास लेता हूं, पता होगा सभी लोगों को, तो याद रखना कल सवेरे 7 AM पर, PM नहीं, कल 7 AM पर, PM पे नहीं, कल 7 AM पर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए अगस्त मंथ के 150 क्वेश्चन रिवीजन, यानी कि हम लोग कल 150 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे वो 3 घंटे में हो, और याद रखना वो अगस्त मंथ क्या होगा। अब मुझे बताओ क्या उस सेशन में आप सभी लोग रहोगे? यस, तो याद रखना टुमारो सुबेरे 7 बजे जुड़ने आप लोगों को इसी चैनल पे, जहां मैं कराने वाला हूं अगस्त मंथ के 150 शानदार क्वेश्चन, जिसको हम लोग 2 घंटे में करें चाहे 3 घंटे में, तो भाई नेट बचा के रखना टुमारो के लिए, संडे लेकिन आराम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? कल बस एक ही क्लास मेरी होगी, ओके? तैयार हो जरा, देखें तो 150 नंबर में कौन है, जितने भी दो लोग हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं जरा देखें तो कितने हमारे में टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? तो टुमारो मॉर्निंग में 7 बजे, कल बस एक ही सेशन में ले रहा हूं दिन भर में, बाकी कल मैं कोई भी सेशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है? याद रखना, सभी को बता देना, ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहना सभी लोग, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, ठीक है? सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है? चलो, तो इसका आंसर हमारा हो गया उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगस्त के कौन से दिन में हम लोग मनाते हैं द इंटरनेशनल डे
द इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजियन, यानी कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों का जो लोगों का फाइटिंग होती है, लोगों को मतलब जो विक्टिम बनते हैं उनकी याद में हम एक डेट मनाते हैं, एक तारीख को याद करते हैं। हम लोग कहते हैं हिंसा के कृत्य को पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं, याद रखना ये हम लोग कौन से दिन मनाते हैं। टू एवरीवन बेटा नवीन कुमार जी, बस सर्च कर लो एट द रेट राजीव मिश्रा जी, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, राजीव मिश्रा जी ये। ओके, तो याद रखना जो आंसर हमारा है ना दोस्तों वो बी नंबर, यानी कि याद रखना हर साल 22 अगस्त को हम लोग इस दिन को मनाते हैं। क्या कि भाई जो भी लोग पीड़ित है वायलेंस के कारण उसको थोड़ा सांत्वना मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में जो लोग कोविड के कारण डिस्टर्ब हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए याद रखना एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू दोज हु हैड बीन सीवियरली अफेक्टेड बाय कोविड 19 पेंडेमिक। याद रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बहुत स्टेट के लिए है बेटा, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कौन सा स्टेट है, मणिपुर है, पुडुचेरी है, महाराष्ट्र है या उड़ीसा। तो याद रखना वही स्टेट है जहां की बालिका ने, जहां की बेटी ने ओलंपिक का सबसे पहला पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में इस साल 2021 में। याद आया वो स्टेट है बेटा मणिपुर। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से कोविड से प्रॉब्लम है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, याद रखना, 2500 रुपए सहायता राशि देगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा तो ध्यान से थोड़ा आंसर देना। जिस प्रकार आदमियों का जनगणना होता है, याद रखना हर 10 साल में, पता होगा आपको जैसे 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, अब 21 में होगा, उसी प्रकार पशुओं का भी जनगणना होता है 5 सालों में, क्योंकि उनका जो प्रजनन क्षमता होती है वो हमसे थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। आपको ये बताना है पशुओं की जनगणना करने वाला जो राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो कहां पर, मुझे देखना है यह क्वेश्चन कितने लोगों का सही होता है। टू एवरीबडी, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर, व्हाट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, जो बच्चे तैयारी करते होंगे एसएससी का, रेलवे का, ट्रिपल पीईटी का, व्हाटएवर का, उनको ये आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, व्हाट इज द राइट आंसर। अगर सेशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एनर्जी है तो आराम से लिख देना जय माता दी, और मेरा जो लव साइन है वो भी मुझे दिखा देना, इससे हमें भी एनर्जी मिल जाएगी। तो याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ना वो कहां पर है, जोधपुर में है, बहुत ही प्यारी जगह है, जरा दिख रहा होगा आपको जोधपुर में, याद रखना इनकी प्यारी जगह है जहां पर जनगणना का सारा पैसा पशुओं पालन का इकट्ठा होता है, ठीक है। बहुत ही फेमस है लोकटक लेक, आपको बताना है जो लोकटक लेक है वो कहां है। शाम को 7 बजे डिनर कर रही थी, इतना भूख लग गया था, चलो कोई बात नहीं, भूख तो लग जाती है ना। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या आसाम, व्हाट इज द राइट आंसर। तो याद रखना लोकटक झील, याद रखना कौन से प्रदेश में है, मणिपुर में है दोस्तों, ठीक है। और याद रखना जरा इसको समझ लो, जो लोकटक लेक है ना, याद रखना, कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वच्छ पानी का लेक है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। और याद रखना यह मणिपुर में सिचुएटेड है। लोकटक लेक हैज बीन प्राइमरी सोर्स ऑफ सस्टेन्स फॉर ओवर 55 विलेजेस एंड होमलेट सिंस, ओ माय गॉड, जरा सोचो 55 गांव में ये पानी पहुंचाता है, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। उस झील का नाम क्या है, लोकटक झील कहते हैं उसको, ठीक है। अगला, गोविंद सागर लेक कहां पर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आसाम। ध्यान से, इस लेक का नाम एक और भी है, गोविंद सागर लेक कहां पर स्थित है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या आसाम में, व्हाट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर हमारा होगा यह हिमाचल प्रदेश में। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं गोविंद सागर लेक के बारे में बोलूं तो याद रखना यह बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एक आता है जो कि कहां पर है,
जो कि याद रखना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक बिलासपुर याद रखना छत्तीसगढ़ में भी आता है, बट ये कहां पर है याद रखना, ये भाई हिमाचल प्रदेश में। बेटा गुड इवनिंग निधि तिवारी जी, वेलकम, काफी दिनों के बाद आपका स्वागत है भाई, वेलकम। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मीठे की पानी की कृत्रिम झील आपको बताना है। मैंने कहा था ना शनिवार है दोस्तों, कुछ तो नया आपको आज दूंगा, याद रखना। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर जो लेक है आपको ये बताना है एशिया की कौन सी जगह पर है। उदयपुर, हिमायत सागर, कालीवेली या पुलिकत, आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो याद रखना इसका नाम, ये बेटा बहुत फेमस है। बेटा मणिदीपा मंडल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, याद रखना ये उदयपुर ढेबर झील के नाम से फेमस है। और याद रखना इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जयसम्मत झील, यानी याद रखना जयसम्मत झील भी हम लोग कहते हैं जिसको, उदयपुर ढेबर झील को कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ढेबर लेक, याद रखना जिसको हम लोग याद रखना जयसमंद लेक के नाम से जानते हैं, जो इंडिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे पुराना हिस्टोरिकल और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक है। जरा सोचो ये नेचुरल नहीं है जो दिख रहा आपको, यह नेचुरल नहीं है, याद रखना यह बेटा क्या है, यह आर्टिफिशियल है, यानी ये कैसा है, यह आर्टिफिशियल है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक एक्सप्लोरर इज कंसिडर्ड टू हैव लेफ्ट द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस यूनानी खोजकर्ता के बारे में माना जाता है कि उसने भारत का सबसे पहले भारत की खोज की थी, उसका नाम क्या है। ऐसे कहते हैं ना वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत का, बट ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल व्यक्ति है जिसने पहले ही इसकी खोज कर दी थी, आपको ये बताना है जल्दी से। बताओ मुझे जल्दी से भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं चाहता हूं सभी लोग मुझसे दोबारा मुलाकात करें आज रात में 9 बजे, जहां मैं कराता हूं बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज, ठीक है। टू एवरीबडी, वेरी नाइस सुरेंद्र कुमार, वेरी नाइस अंजना सिंह, वेरी नाइस ऋतिक कुमार, वेरी नाइस लक्ष्मी वर्मा, ओके ये कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो ये भी आएगा, गारंटी देते हैं, क्योंकि हम हर विद्यार्थियों का ध्यान रखते हैं। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा स्काईलैक्स, ठीक है। अगला, अभी पिछले 4 महीनों में एक बड़ी फेमस घटनाएं हुई हैं, और याद रखना जो नहर का नाम बहुत ज्यादा हुआ है जिसको कहते हैं कील नहर, आपको बताना है जो कील नहर है ये कौन से 2 सागर को जोड़ती है, बाल्टिक सागर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर और सफेद समुद्र, सफेद सागर और उत्तरी सागर, आपको बताना है जो कील कैनाल है ये कौन से 2 महासागरों को जोड़ती है। वॉट इज द राइट आंसर, जो भी विद्यार्थी याद रखना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसको भी फोकस करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सीईटी आने वाला है, पता नहीं सीईटी में क्या पूछे, वो जीए होगा कि जीएस होगा, डजंट मैटर। तो याद रखना इसको जो जोड़ने वाले उसका नाम है बाल्टिक सी एंड नॉर्दर्न सी, जरा देख लो ध्यान से, यही है सामने आपको दिख रहा होगा, बड़ी प्यारी सी है दोस्तों। कहते हैं द कील कैनल, जो कि याद रखना यही है बेटा 98 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेश वाटर कैनल है, जो कि याद रखना जर्मनी में है, और कहते हैं जो ये कैनल है वॉज फिनिश्ड इन 1895, ये 1895 में ख़त्म हो गया था, बट लेटर वाइडेंड एंड लिंक टू द नॉर्थ सी टू द बाल्टिक सी, कहते हैं और लेकिन बाद में ये चौड़ी हो गई और उत्तरी सागर के बाल्टिक सागर में यह जोड़ती हुई है, ठीक है, यही सागर में जोड़ती हुई है जिसका नाम हो गया बाल्टिक सागर, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलो अगला, अब कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था तरीके मल्टीपल होंगे आज स्कोर आने के 30+, तो याद रखना सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताना नहीं पड़ेगा। इसका हेडक्वार्टर बेटा वॉशिंगटन डीसी में है और इसमें हमारे 190 मेंबर हैं, 45 में बन के तैयार हो गया, क्रिस्टीनिया जॉर्जीबा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और याद रखना इसकी जो करेंसी होती है उसे हम लोग SDR कहते हैं, क्या कहते हैं SDR, यानी कि ये तो शायद सभी लोगों का सही होगा, यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हे भगवान, नवीन कुमार भाई डेली आइए, बेटा नदीम आज सब कुछ मिक्स है, आज सब कुछ मिक्स, अभी देखना आगे बैंकिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तैयार रहो बस, शनिवार को स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। अगला, विच स्टेट विल लॉन्च देश का मेंटर प्रोग्राम, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने कहा
अगर आपको स्कूलिंग से कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ के मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे फोन में 24/7। तो याद रखना, उस राज्य का नाम है, हमारा प्यारा राज्य, जिसका नाम है दिल्ली है दिलवालों की। आंसर हमारा क्या होगा? दिल्ली है दिलवालों की। ठीक है, अगला संभल के आंसर देना। आज का मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपका टारगेट, आपका जो टारगेट है वो 30+ है, याद रखना सभी लोगों का। ठीक है, 30 से कम में कोई स्कोर होने वाला नहीं है, टू एवरीबडी। तो याद रखना, मोहम्मद मुखबर, बड़ा नाम यार, यूनिक, सुनिएगा, मोहम्मद मुखबर को कौन से देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? ईरान, इराक, लेबनान, इजराइल या तुर्की? कौन से देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबर को शामिल किया गया है? आपको यह बताना है जल्दी से, वॉट इज द राइट आंसर। यस, सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर थे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। वॉट इज द राइट आंसर, वॉट इज द राइट आंसर, तो याद रखना उस कंट्री का नाम है दोस्तों ईरान। याद रखना, मोहम्मद मुखबर जो ईरान के बने उपराष्ट्रपति, याद रखना टू एवरीबडी। अगला, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। जो भी छोटी कंपनी है, याद रखना, जो भी छोटी कंपनी है उनको कैसे प्रमोट करें, उनको कैसे मदद करें फाइनेंशियल, तो याद रखना उसी के लिए नहीं यार ऐसी बात नहीं है, दिल्ली है दिलवालों की, अभी भी जिनके पास दिल्ली है, दिल है उनके लिए दिल्ली है, याद रखना ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वॉट इज द राइट आंसर, तो याद रखना, एक मिनट रुकना जरा, हम लोग 21 क्वेश्चन में पहुंच गए। ठीक है चलो, तो याद रखना उसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी ने छोटे उद्योगों के लिए सपोर्ट के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका नाम है डिजिटल प्रयास। यानी कि बहुत इजी वे में, याद रखना, आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सिडबी बैंक, याद रखना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपको क्या देगा? लोन देगा। ठीक है चलिए, अगला। अभी कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज में नहीं थी बहुत ज्यादा, आपको बताना है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी आपको बताना है न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 42, 57, 83, 104 या 122 इज द राइट आंसर, बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, ये बड़ा अच्छा नाम है, सबका प्रयास, और बिना सबके प्रयास के कुछ भी होने वाला नहीं। वेरी नाइस शिवम पाटीदार जी, बिल्कुल, आरबी कमिटी यंग हिल्टन। आंसर क्या है? ऐसी कौन सी कंट्री इंडिया की रैंकिंग है जिसका नाम, याद रखना, न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, याद रखना हम 122 नंबर में है। कितने नंबर पे हैं? 122 नंबर में, बहुत ही शानदार। चलो ठीक है, अगला। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बहुत सारे बच्चे, कुछ लोगों का डाउट ये आ गया, तो मैं इसको होल्ड पे कर रहा हूं, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, इसका आंसर देखें जरा, इसका आंसर एक्चुअल में है क्या। भाई देखो, बहुत लोगों को डाउट था, बट याद रखना, बहुत लोग कह रहे हैं इसमें 20 लाख, बहुत लोग कह रहे हैं 15 लाख, तो याद रखना, एज पर द प्रेजेंट रेगुलेशन द अम्बर्समन निर्देशन, ठीक है ठीक है।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बेटा, 15 लाख कन्फर्म है, ठीक है, बट एक बार मुझे टाइम दो, मैं एक बार कन्फर्म करके उसको और बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, फिलहाल मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 15 लाख, ठीक है। एक बार इसको और हम देख के बता देंगे हम सभी लोगों को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अम्बर्समेंट फॉर डिपॉजिट टेकिंग NBFC दैट विल हेल्प इन एड्रेसिंग कस्टमर गवर्नेंस। हम सभी को पता है हमारे देश में अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं बैंकिंग लोकपाल में, आपको बैंकिंग लोकपाल रिजॉल्व करता है, सपोर्ट करता है। तो आपको ये बताना है हमारे देश में अभी वर्तमान में कितने बैंकिंग लोकपाल कार्य कर रहे हैं। याद रखना बैंकिंग लोकपाल कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना पहले बेटा ये 10 थे, बट याद रखना ये राइट नॉट 20 हो चुके हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये आंसर हमारा हो गया 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। यस बेटा नदीम, जानबूझ के मैंने कराया था, ठीक है, लेकिन एक बार तब भी कंफर्म करता हूं, ठीक है। बहुत ही शानदार, तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा 4 बोले तो 20। अगला, अभी हाल ही ये आज का इतना बड़ा हलवा क्वेश्चन है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे को एग्जाम में देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन, समझना। आपको लगेगा पढ़ने के बाद क्वेश्चन पता नहीं कितना हार्ड पूछ रहा है, जरा पढ़िएगा ध्यान से, देखिए मेरे साथ। ऐसे एग्जाम में आपके साथ खेलते हैं एग्जाम वाले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन ATM, लग रहा है कुछ धमाकेदार क्वेश्चन है। दैट रन आउट कैश फ्रॉम October 1, हाँ बिल्कुल, अगर ATM में कैश नहीं होगा तो पेनाल्टी लगेगी, बट ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा हूँ, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। बस देखें इतना लंबा चौड़ा कहानी, और पूछ कह रहा है कि वर्तमान में RBI के गवर्नर का नाम क्या है। इसे कहते हैं गूगली, इसे क्या कहते हैं गूगली, गूगल। तो याद रखना वर्तमान में शक्तिकांता दास इसके गवर्नर हैं, हम सभी लोगों को पता है। और ये जो गवर्नर हैं ये है 25 नंबर के गवर्नर हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा एग्जाम में होता होगा, बड़ा लगता होगा सुनने में बड़ा हैवी क्वेश्चन है, और जब पढ़ो तो लगेगा सर इससे हलवा क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही नहीं होगा कोई, है ना, मानते हो कि नहीं। चलिए अगला, एक बड़ी प्यारी सी बुक है जिस बुक का नाम है द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर, आपको बताना है इस बुक के राइटर का नाम क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, उसका नाम है द अर्थ स्पिनर, CK गरियाली, सही से नहीं पढ़ो तो नाम अलग कुछ और ही निकलेगा, उसको सही से पढ़ना गरियाली, समझ रहे हो क्यों बोल रहे हैं। भालचंद मुंगेर, मुंगेकर, शशि थरूर, अनुराधा राय, अमीश त्रिपाठी, व्हाट इज द राइट आंसर। बेटा 22 नहीं हुआ है, 20 है, 22 होने वाला है, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा, याद रखना उनका नाम है, प्यारी सी लेडी है अनुराधा राय। अगला, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की कॉन्टिजेंट ने जाके किसी कंट्री के आर्मी गेम में पार्टिसिपेट किया। आपको यह बताना है कि वह जो पार्टिसिपेट किया वह कौन सी कंट्री में जाके पार्टिसिपेट किया। भारतीय सेना की टुकड़ी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 के 7वें संस्करण में वहां पे जाके पार्टिसिपेट किया, आपको यह बताना है। वेरी नाइस, अगर आप लोग एक बार कह रहे हो तो मैं फिर चेक कर लूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं एक बार फिर चेक कर लूंगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए, इट्स ए मैटर। तो याद रखना इसका नाम है रसिया। अगला, सही में यार कोविड किसको किसको खा गया, जरा देखो कितनी प्यारी एक्ट्रेस है ये, है ना प्यारी एक्ट्रेस, कितनी मासूम लग रही है देखने में, और कोरोना ने इनकी जान ले ली। कोरोना किसी का नहीं है, इनका नाम है याद रखना शरण्या शशि, ये बहुत फेमस एक्ट्रेस है याद रखना, मलयालम, कहाँ की, मलयालम लैंग्वेज की। तो याद रखना बड़ी फेमस ही अभिनेत्री हुआ करती थी जिनका निधन हो गया ड्यू टू COVID-19। अगला, ईरान की करेंसी का नाम मुझे बताओ जरा जल्दी से क्या है, ईरान की करेंसी का नाम क्या है मुझे बताओ जरा जल्दी से। लीरा, यूरो, पौन और रियाल, तो सर बहुत आसान है। ईरान की करेंसी, ईरान की कैपिटल अगर मैं बोलूं बगदाद कैपिटल, और करेंसी हमारी क्या होगी, रियल होगी, ठीक है। याद रखना आपको एक, मैं आपको टास्क दे रहा हूं सभी लोगों को, जितनी भी कंट्री दिख रही है सामने करेंसी, लीरा, यूरो, पाउंड
आपको ये बताना है ये तीनों करेंसी कौन कौन सी कंट्री में चलती है इस वीडियो के बाद, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो, ब्लैक एक्ट्रेस। अगला, अभी ध्यान जरा सुनिएगा ध्यान से, देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया, लग रहा है कितना हैवी क्वेश्चन है। अभी माननीय मोदी जी ने कुछ महीनों पहले 8 ट्रेनों का रवाना किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, ठीक है, कि वहाँ पर कम से कम वहाँ जाने के लिए टूरिज्म स्पॉट को देखते वहाँ की जो कनेक्टिविटी है थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतनी बड़ी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? तो याद रखना यह है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको याद होगा, बहुत न्यूज़ में रहा था 2-3 महीने पहले ना, तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, जहाँ पर वो भी चला है सी प्लेन, अगर आपको याद होगा तो वहीं पर है ये, ठीक है? अगला, फिर बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पर इसको लंबा कर दिया। आपको बस ये बताना है वर्तमान में व्हाट्सएप के नए सीईओ का नाम क्या है? पता होगा ना, कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में रहा था जब हमारे वो थे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, बहुत न्यूज चला था ना ट्विटर और व्हाट्सएप को लेकर। तो आपको ये बताना है वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो याद रखना उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है, देखिए सीईओ विल कैथकर्ट, ये बना था 2009 में, इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखना उसको कहते हैं मेलनो पार्क, और याद रखना ये कि यूएसओ में है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है जेन कॉम, और पता होगा आपको व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से देख रेख है किसका है, तो याद रखना ये देख रेख है फेसबुक का, विल कैथकर्ट, ठीक है, विल कैथकर्ट इज द राइट आंसर। अगला, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एक ऐप डेवलप किया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेन करेंसी में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेन करेंसी में तो आप बहुत इजी तरीके से यहां पर ट्रेडिंग कर पाओगे? आपको यह बताना है यह बैंक का नाम क्या है जिसने इंस्टा एफएक्स नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है फॉर ट्रेडिंग करेंसीज के लिए। यस, जैक डर्सी ट्विटर, बिल्कुल सही बेटा शुभम, वेरी नाइस, जैक डर्सी बोले तो ट्विटर, तो याद रखना उस बैंक का नाम है बेटा आईसीआईसीआई बैंक। अब आज का देखो अगले जो 7 क्वेश्चन है ना, जो मैंने बताने 7 क्वेश्चन, वो इतने आसान है कि आप 7 में 7 नंबर ले सकते हो। इंडिया में 2 तरह के मार्केट हैं, हम सभी को पता होगा, एक मार्केट होता है इसको कहते हैं शेयर बाजार, और एक मार्केट होता है हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। तो मनी के पापा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और शेयर के पापा कौन है? तो आप बोलोगे सेबी। आंसर यहां पे क्या होगा? सेबी, ठीक है। चलो अगला, हमारे देश में जहां पर शेयर का ट्रेडिंग होता है, हमारे देश में जहां पर शेयर का ट्रेडिंग होता है उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। पता होगा हमारे यहां 2 प्रमुख हैं, एक हमारे यहां बीएसई है और एक हमारे यहां एनएसई है। याद रखना बीएसई बना 1875 में और एनएसई बना 1992 में। अब आपको यह बताना है जल्दी से कि कौन सा सेंटेंस गलत है रिलेटेड टू द बीएसई। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। और इसका जो इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स, बिल्कुल सही है। और याद रखना इसमें भारत की टॉप 30 कंपनी भी शामिल है, यानी कि तीनों ही सही है, यानी आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एवम, बहुत सही। हम लोग 35 क्वेश्चन पे लगभग पहुंच चुके हैं, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं आज के सेशन के। ए प्रोसेस, मान लो हमने इस मार्कर को कहीं से खरीदा और कहीं बेच दिया, तो खरीदना और बेचना, इससे जो हमने पैसा कमाया, जब देखा मार्कर का प्राइस ज्यादा हो रहा तो बेच दिया, जब देख रहा मार्कर का प्राइस कम हो रहा तो खरीद लिया। तो ये जो प्रोसेस हमने किया ना, याद रखना इसी को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज, इसी को क्या कहेंगे? आर्बिट्रेज। जब कोई ब्रोकर मार्केट में उथल फुथल से होने वाले वेरिएशन से पैसा कमाता है, खरीदता और बेचता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज। क्या कहेंगे उसको हम लोग?
आर्बिट्रेज इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, इसमें से ऐसा कौन सा जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, क्रिसिल, इकरा, केया या ONICRA या सिबिल। तो याद रखना सारे एक रेटिंग एजेंसी है, सिर्फ जो सिबिल है वो एक रेटिंग एजेंसी नहीं होता। ये बताता है कि आपकी बोरोइंग हिस्ट्री कैसी है, क्या आपने कहीं से पैसा तो नहीं लिया। आपको पता होगा आप जब भी कहीं लोन लेने जाओगे, तो याद रखना अगर आप लोन लेने जाओगे उस केस में क्या होता है, याद रखना वो आपका देखते हैं सिबिल स्कोर। अगर आपका स्कोर 750 से कम होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला, हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं किस लिए ओपन कराते हैं, कि भाई हमें शेयर खरीदना होगा या शेयर बेचना होगा, तो क्या होगा, फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ कंपनी। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन। अभी पीछे मैंने बताया कि सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनी होती है, और अगर आपको याद होगा एक होता है बेटा निफ्टी, जो ही हमारा इंडेक्स है किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो याद रखना इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है। सेंसेक्स में कितनी कंपनी होती है, तो 30 कंपनी होती है, याद रहेगा सभी को। हम लोग पहुंच गए 39 क्वेश्चन में। मुझे बताओ जरा, एक चैलेंज मैं दे रहा हूं, ठीक है, मुझे बताओ जरा कमेंट करके कि 39 और 40 मुझे बताओ, यस और नो लिख के, कितने लोगों का सही होगा बताओ मुझे जरा जल्दी से। 39 और 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं चैलेंज दे रहा हूं सभी को, कितने लोगों का सही होगा मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से। 30 नंबर, 9 और 40, देखें क्या मेरा चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, क्या मेरा चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, मुझे ये देखना है। 39 और 40, जिनको लगता है कि यस तो वो लिख के दिखाए यस, जिनको लगता है कि नो गलत होगा दोनों में से एक क्वेश्चन, तो वो लिख के दिखाओ नो। जिज्ञासा ने कहा यस, शुभम पाटीदार जी ने कहा यस, उसके बाद शुभम पाटीदार के बाद वंदना ने भी कहा यस, रोमे ने कहा नो, ठीक है, भूमिका ने कहा नो, ओ भाई क्यों, निधि तिवारी ने कहा नहीं, अंजना ने कहा सर मैं लेट में आई हूं कोई, अरे भाई लेट चाहे तो क्या दिक्कत, दो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि दोनों में सही और गलत कौन सा है। चलो देख लेते हैं, है ना, देखते हैं। मेरा जैसा मानना है, मेरा जो परसेप्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन देखना सभी लोगों का सही होगा। चलो अब बहुत कम लोग जान रहे होंगे, कंफ्यूज ना हो। इसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, तो जरा समझिएगा। लोगों को लग रहा होगा कि सर बोल्ट होगा, नो, इसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे। ओ मतलब होता है, याद रखना, ऑनलाइन, ठीक है, OL ऑनलाइन, और टी मतलब क्या होता है, याद रखना, ट्रेडिंग, यानी कि याद रखना बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग एक मीडियम है ट्रेडिंग करने का। तो याद रखना ये भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। जब कोई कंपनी अपने वर्कर को बहुत इजी वे में बहुत नॉर्मल चार्ज पे शेयर को अलॉट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्वीट शेयर, ये भी रिलेटेड है। जब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी या तो BSE में या तो NSE में शामिल नहीं है और पहली बार जारी करती है मार्केट में क्या शेयर हमारे और आपके लिए, तो उसे कहते हैं क्या दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं IPO। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, IPO। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया डी नंबर, बोले तो नन, बिल्कुल सही, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट, देखो मैंने बोला था ना यह क्वेश्चन शायद ही किसी का गलत होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी लोगों को भाई बहुत अच्छा लगा इस में जुड़ के। याद होगा बुल मतलब होता है पॉजिटिव मार्केट हमारा, और बियर मतलब होता है हमारा मार्केट निगेटिव में जा रहा है। तो याद रखना बुल मतलब स्ट्रॉन्ग, बियर मतलब डाउन में। तो भाई मैंने कल कुछ होमवर्क पूछा था और आज का उस होमवर्क का जरा देखिए, होमवर्क पूछा गया था, मैंने पूछा था क्या कि भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट को कहा है कि हम 50 सालों के लिए आपको लोन देंगे, और जिस माध्यम से लोन देंगे उसको कहा जाता है लोन अंडर स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो याद रखना उसके लिए टारगेट किया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, जिसमें बहुत लोगों ने गलती थोड़ी सी की है,
विच कंपनी बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इंडियन आईटी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.65 ट्रिलियन डॉलर का क्रॉस कर चुका है। तो याद रखना आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, विप्रो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी भाई विजेता हैं। वंदना सिंह कॉन्ग्रेचुलेशन, काजल चौहान, शुभम पाटीदार जी, सरिता रावत दो बार हैं, एंड अंजना सिंह, आप सभी को भाई बधाई के पात्र हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, याद रखना अगर मैं बोलूँ तो टीसीएस नंबर वन पर है, विश्व में तीसरा है, टीसीएस नंबर वन पर है, विश्व में ये तीसरा है, इन्फोसिस हमारा दूसरा है, और याद रखना जो विप्रो हमारा है वो तीसरा है, यानी सीक्वेंस हमारा उल्टा होगा, पहले पे टीसीएस, दूसरे पे इन्फोसिस, और तीसरे पे हमारा कौन सा हो गया, विप्रो, जिसने भी हाल ही में एससीएल को पछाड़ की ये पोस्ट को हासिल किया है। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को बधाई, या स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की जिनके नाम सामने दिख रहे हैं। और आज का क्वेश्चन, मोहम्मद मुखबर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने डिजिटल प्रयास नामक एक ऐप को डेवलप किया है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी पोजीशन कौन से नंबर पर है। इन तीनों ही क्वेश्चन को आंसर को आपको इस वीडियो के नीचे आपको देना है टू एवरीबॉडी को। ठीक है, ओके, और अगर लगता है कि आपको सेशन से कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो सभी लोगों को हाथ जोड़ के मैं एक बार कहना चाहता हूं कि काइंडली आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट जरूर करिए, जो इस सेशन को अभी देख रहे हैं या जो इस सेशन को बाद में देखेंगे, मैं दोनों से कहना चाह रहा हूं। और याद रखना जो सेशन को बाद में देखेंगे, जो अभी देख रहे हैं, कल है संडे और कल सुबेरे 7 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। मॉर्निंग में ठंडी भी लगेगी थोड़ी सी, जहां मैं कराने वाला हूं 150 क्वेश्चन, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे 3 घंटे में हो। तो याद रखना कल एक मैराथन क्लास है 2 घंटे की, संडे स्पेशल क्लास के फॉर्म में, जहां हम लोग अगस्त मंथ के सारे डेटा को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक बार ये भला कर ले हम लोग संडे को दिन भर, फिर हम लोग खाली हो जाएंगे। ठीक है, और अभी 1 घंटे बाद मुलाकात करेंगे 9 PM पर, जहां मैं करा रहा हूं क्या, बेस्ट करंट अफेयर्स 500 वाली सीरीज। तो जरिए जुड़िएगा और सभी सर्किल में लोगों तक शेयर करिए, और याद रखना बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो भाई सभी लोगों को थैंक यू, शुभ रात्रि सभी लोगों को, मिलते हैं रात 9 बजे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।